जंगल में शेर खान घूमता है, उसके हुर्राने की दहाड़ मूवी सुनता है। तुम ठीक तो हो ना का? हाँ, दो दिन सोने के बाद थोड़ी कसरत जरूरी है। कस के पकड़ना, अब और भी ज्यादा मजा आने वाला है। ये मजेदार था, क्यों है ना का? का? तुम तो पूरी सूज गई हो, वहीं से जहाँ तुमने ब्राउन बेरीज को कुचला। ब्राउन बेरीज, जल्दी से उन्हें मुझ पर से हटाओ। अब ठीक है, एक दिन तो ये होना ही था। तुम जानती हो ये क्या है? ब्राउन बेरीज से एलर्जी। मेरे बचपन में मेरे पिताजी को हुआ करती थी ये। क्या वो ठीक हो गए थे? हाँ बिल्कुल, अगर वो किसी फूले हुए मेंढक की तरह दिखते तो मेरी माँ से कैसे मिलते। तो फिर तुम्हें वही इलाज करना है जो तुम्हारे पिताजी क्या करते थे। सही कहा, मैं अभी इलाज शुरू करूँ। वैसे इसका इलाज है क्या? कुछ खास नहीं, मुझे बस एक टाइगर को खाना होगा। रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकती, ये बेरहमी होगी। और सीटियां बजाकर लोगों को परेशान करना बेरहमी नहीं है? मेरे रास्ते से हटो। तुम छोटा को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो तो बहुत छोटा है, उससे इलाज नहीं होगा, मुझे तो शेर खान को खाना होगा। चबाकी। जी मालिक। मुझे भूख लगी है, जाओ मेरे लिए शिकार का इंतजाम करो। शेर खान, मुझे तुमसे कुछ कहना है। शेर खान, तुम मेरे दुश्मन हो, लेकिन मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देखना चाहता, इसलिए मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूँ कि का तुम्हें खाने के लिए यहाँ आ रही है। वो बददिमाग अजगर, उसे क्या परेशानी है? हम बस ब्राउन बेरीज के ऊपर झूला झूल रहे थे और अगर हम इसे पिचकाएंगे तो क्या ये जोर जोर से हिस हिस करेगा? कोशिश करके देखो, तुम्हें सरप्राइज मिलेगा। तुम्हें जाना होगा शेर खान, एलर्जी के बाद भी का तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। शेर खान किसी से नहीं डरता। सब लोग इतने जिद्दी क्यों हैं? तुम भी बलू की तरह ही हो। अरे हाँ, बलू। मोगली चला गया, मेरी बात मानिए शेर खान, मत जाइए। जरा सोचो इस बारे में लोमड़ी, अगर का कमजोर हो गई है तो उससे छुटकारा पाने का यही सबसे सही वक्त है। हम इंतजार करेंगे और फिर उस पर हमला बोल देंगे। आप और छिपकर वार करेंगे? क्या बात है मालिक। शायद वो शेर खान था? जानता हूँ, ये बहुत ही अजीब है। तुम दवाइयों के बारे में सब जानते हो बलू, का को ठीक करने का कोई और तरीका ढूंढो ना। वो बात कुछ ऐसी है कि मैंने पहले कभी किसी को ब्राउन बेरीज से एलर्जी होते नहीं देखा। माफ करना मोगली। अच्छा, तुम्हें चपल का किस्सा तो याद ही होगा, उसे रेड बेरी से एलर्जी थी और तुमने उसका इलाज बैनियन लीव से किया था। ये जरूर वैसी ही एलर्जी होगी। इससे पहले का शेर खान तक पहुँचे, मुझे बरगद का पेड़ ढूंढना होगा। मोगली, रुको। रेड बेरीज और ब्राउन बेरीज एक नहीं होती बघीरा, इसके अलावा हिरन और अजगर का इलाज भी एक जैसा नहीं हो सकता। मुझे माफ कर दो बलू, फिक्र मत करो, मामला मैं संभाल लूंगा। और मैं कोई दवा ढूंढता हूँ। मोगली, लाली, बाला, मुझे अभी इसी वक्त अकेला से मिलना है। वो सब तो बकरी का शिकार करने गए हैं। मोगली, अकेला अकेला,
ये जगह बकरियों के लिए अच्छी हो सकती है लेकिन भालुओं के लिए नहीं। तबाकी, तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है? ये देखिए मालिक। क्या ब्राउन बेरी से एलर्जी? नहीं बलू, हम भेड़ियों के सामने ऐसी समस्या पहले कभी नहीं आई। तब तो मुझे हाथी से मिलना होगा, वही आखिरी उम्मीद है। हे, उसे अकेला छोड़ दो। का, मेरे पास एक अच्छी खबर है, इन पत्तियों को खा लो, तुम ठीक हो जाओगी। पत्तियाँ खाऊं? ये नहीं हो सकता इंसानी बच्चे। इनसे तुम्हें राहत मिलेगी और तुम्हें किसी जानवर की जान लेने की जरूरत नहीं। मोगली, रुक जाओ। बलू ने कहा कि ये सही इलाज नहीं है, वो इसका इलाज ढूंढ कर आता ही होगा। मुझे इलाज पता है, एक टाइगर और ढेर सारा पानी। बलू के इलाज लेकर आने तक हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं। एक सांप, सूजन, हाँ इससे मुझे कुछ याद आ रहा है। ओ हाँ, एक सांप ने एक बार मेरी सूंड पर काट लिया था और बुरी तरह सूज गई थी। ऐसे मत देखो, मुझे कुछ नहीं हुआ, वो एक छोटा सा पिद्दी सा सांप था। अगर वो कोबरा होता तो बात कुछ और हो सकती थी। एक कोबरा? ये मैंने क्यों नहीं सोचा। हो गया। मैं बिल्कुल जोकर जैसा दिख रहा हूँ। ये बस पोलन है, नदी में जाते ही उतर जाएगा। चलो, हमें देर हो रही है। पूरे शरीर पर खुजली हो रही है, मन कर रहा है जैसे नहा लूं। ये तो का है? बेवकूफ, वो कोई सांप नहीं है, ये किसी जाने पहचाने पैंथर की दहाड़ है। बहुत अच्छे बगीरा। अरे नहीं, अरे महान तू, ये तो मैं हूँ, बलू। क्या आपको किसी ऐसे अजगर का इलाज पता है जिसे ब्राउन बेरीज से एलर्जी हो जाती हो? हाँ, बिल्कुल, सांपों में ये आम बात है, इसके इलाज के लिए तुम्हें टाइगर की जरूरत पड़ेगी। और मुझे लगा कि टाइगर को खाने के अलावा भी कोई और तरीका हो सकता है। टाइगर को खाने के बारे में किसने कहा? क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो बदसूरत कहीं की? तो फिर और मुझे पकड़ लो। बगीरा, क्या तुम ठीक हो? आओ, नहीं। तुम मुझे परेशान कर रहे हो इंसानी बच्चे। मुझे छोड़ दो। भाग यहाँ से लोमड़ी। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डर गया? हमें अपना एक नाखून दे दो। कभी नहीं। एलर्जी का असली इलाज यही है मोगली, तुम्हें बस एक टाइगर के नाखून की जरूरत है। अब वक्त है देखने का, क्या मेरा नाखून वाकई अच्छी किस्मत लाता है। मैं सांस नहीं ले पा रही। नहीं।
शुक्रिया मोगली, काश मुझे पता होता एक नाखून काफी है। तुम्हारी मदद करके खुशी हुई का, उसके लिए मुझे अपना लकी नाखून खोना पड़ा। ओ, वो कोई बड़ी बात नहीं। चलो पानी ठंडा नहीं है वरना नौटंकी के बाद मुझे सर्दी भी लग जाती। ये देखो मेरा लकी नाखून, और ये मुझे का ने दिया। मोगले योहू! तुम ठीक तो हो ना का? हाँ, 2 दिन सोने के बाद थोड़ी कसरत जरूरी है। कस के पकड़ना, अब और भी ज्यादा मजा आने वाला है। ये मजेदार था, क्यों है ना का? का? तुम तो पूरी सूज गई हो, वहीं से जहाँ तुमने ब्राउन बेरीज को कुचला। ब्राउन बेरीज? जल्दी से उन्हें मुझ पर से हटाओ। अब ठीक है, एक दिन तो ये होना ही था। तुम जानती हो ये क्या है? ब्राउन बेरीज से एलर्जी। मेरे बचपन में मेरे पिताजी को हुआ करती थी ये। क्या वो ठीक हो गए थे? हाँ बिल्कुल, अगर वो किसी फूले हुए मेंढक की तरह दिखते तो मेरी माँ से कैसे मिलते। तो फिर तुम्हें वही इलाज करना है जो तुम्हारे पिताजी क्या करते थे। सही कहा, मैं अभी इलाज शुरू करूँ। वैसे इसका इलाज है क्या? कुछ खास नहीं, मुझे बस एक टाइगर को खाना होगा। का, रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकती, ये बेरहमी होगी। और सीटियां बजाकर लोगों को परेशान करना बेरहमी नहीं है? मेरे रास्ते से हटो। तुम छोटा को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो तो बहुत छोटा है, उससे इलाज नहीं होगा, मुझे तो शेर खान को खाना होगा। चबाकी। जी मालिक। मुझे भूख लगी है, जाओ मेरे लिए शिकार का इंतजाम करो। शेर खान, मुझे तुमसे कुछ कहना है। शेर खान, तुम मेरे दुश्मन हो लेकिन मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देखना चाहता, इसलिए मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूँ कि का तुम्हें खाने के लिए यहाँ आ रही है। वो बददिमाग अजगर, उसे क्या परेशानी है? हम बस ब्राउन बेरीज के ऊपर झूला झूल रहे थे और अगर हम इसे पिचकाएंगे तो क्या ये जोर जोर से हिस करेगा? कोशिश करके देखो, तुम्हें सरप्राइज मिलेगा। तुम्हें जाना होगा शेर खान, एलर्जी के बाद भी का तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। शेर खान किसी से नहीं डरता। सब लोग इतने जिद्दी क्यों हैं? तुम भी बलू की तरह ही हो। अरे हाँ, बलू। मोगली चला गया, मेरी बात मानिए शेर खान, मत जाइए। जरा सोचो इस बारे में लोमड़ी, अगर का कमजोर हो गई है तो उससे छुटकारा पाने का यही सबसे सही वक्त है। हम इंतजार करेंगे और फिर उस पर हमला बोल देंगे। आप और छिपकर वार करेंगे? क्या बात है मालिक। शायद वो शेर खान था? जानता हूँ, ये बहुत ही अजीब है। तुम दवाइयों के बारे में सब जानते हो बलू, का को ठीक करने का कोई और तरीका ढूंढो ना। वो बात कुछ ऐसी है कि मैंने पहले कभी किसी को ब्राउन बेरी से एलर्जी होते नहीं देखा। माफ करना मोगली। अच्छा तुम्हें चपल का किस्सा तो याद ही होगा, उसे रेड बेरी से एलर्जी थी और तुमने उसका इलाज बैनियन लीव से किया था। ये जरूर वैसी ही एलर्जी होगी। इससे पहले का शेर खान तक पहुँचे मुझे बरगद का पेड़ ढूंढना होगा। मोगली, रुको। रेड बेरीज और ब्राउन बेरीज एक नहीं होती बघीरा, इसके अलावा हिरन और अजगर का इलाज भी एक जैसा नहीं हो सकता। मुझे माफ कर दो बलू, फिक्र मत करो, मामला मैं संभाल लूंगा। और मैं कोई दवा ढूंढता हूँ। मोगली, लाली, बाला, मुझे अभी इसी वक्त अकेला से मिलना है। वो सब तो बकरी का शिकार करने गए हैं।
मोगली। अकेला, अकेला। ये जगह बकरियों के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन भालुओं के लिए नहीं। तबाकी, तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है? ये देखिए मालिक। क्या ब्राउनबेरी से एलर्जी? नहीं बलू, हम भेड़ियों के सामने ऐसी समस्या पहले कभी नहीं आई। तब तो मुझे हाथी से मिलना होगा, वही आखिरी उम्मीद है। हे, उसे अकेला छोड़ दो। का, मेरे पास एक अच्छी खबर है। इन पत्तियों को खा लो, तुम ठीक हो जाओगी। पत्तियां खाऊं? ये नहीं हो सकता इंसानी बच्चे। इनसे तुम्हें राहत मिलेगी और तुम्हें किसी जानवर की जान लेने की जरूरत नहीं। मोगली, रुक जाओ। बलू ने कहा कि ये सही इलाज नहीं है, वो इसका इलाज ढूंढ कर आता ही होगा। मुझे इलाज पता है, एक टाइगर और ढेर सारा पानी। बलू के इलाज लेकर आने तक हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं। एक सांप, सूजन। हाँ, इससे मुझे कुछ याद आ रहा है। ओ हाँ, एक सांप ने एक बार मेरी सूंड पर काट लिया था और बुरी तरह सूज गई थी। ऐसे मत देखो, मुझे कुछ नहीं हुआ। वो एक छोटा सा पिद्दी सा सांप था। अगर वो कोबरा होता तो बात कुछ और हो सकती थी। एक कोबरा? ये मैंने क्यों नहीं सोचा। हो गया। मैं बिल्कुल जोकर जैसा दिख रहा हूँ। ये बस पोलन है, नदी में जाते ही उतर जाएगा। चलो, हमें देर हो रही है। पूरे शरीर पर खुजली हो रही है, मन कर रहा है जैसे नहा लूं। ये तो का है? बेवकूफ, वो कोई सांप नहीं है, ये किसी जाने पहचाने पैंथर की दहाड़ है। बहुत अच्छे बगीरा। अरे नहीं, अरे महान तू, ये तो मैं हूँ, बलू। क्या आपको किसी ऐसे अजगर का इलाज पता है जिसे ब्राउन बेरी से एलर्जी हो जाती हो? हाँ, बिल्कुल। सांपों में ये आम बात है, इसके इलाज के लिए तुम्हें टाइगर की जरूरत पड़ेगी। और मुझे लगा कि टाइगर को खाने के अलावा भी कोई और तरीका हो सकता है। टाइगर को खाने के बारे में किसने कहा? क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो बदसूरत कहीं की? तो फिर और मुझे पकड़ लो। बगीरा, क्या तुम ठीक हो? आओ, नहीं। तुम मुझे परेशान कर रहे हो इंसानी बच्चे। मुझे छोड़ दो। भाग यहाँ से लोमड़ी। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डर गया? हमें अपना एक नाखून दे दो। कभी नहीं। एलर्जी का असली इलाज यही है मोगली, तुम्हें बस एक टाइगर के नाखून की जरूरत है। अब वक्त है देखने का, क्या मेरा नाखून वाकई अच्छी किस्मत लाता है। मैं सांस नहीं ले पा रही।
शुक्रिया मोगली, काश मुझे पता होता एक नाखून काफी है। तुम्हारी मदद करके खुशी हुई का, उसके लिए मुझे अपना लकी नाखून खोना पड़ा। ओ, वो कोई बड़ी बात नहीं। चलो पानी ठंडा नहीं है वरना नौटंकी के बाद मुझे सर्दी भी लग जाती। ये देखो मेरा लकी नाखून, और ये मुझे का ने दिया। मोगले योहू। तुम ठीक तो हो ना का? हाँ, दो दिन सोने के बाद थोड़ी कसरत जरूरी है। कस के पकड़ना, अब और भी ज्यादा मजा आने वाला है। ये मजेदार था क्यों, है ना का? का? तुम तो पूरी सूज गई हो, वहीं से जहाँ तुमने ब्राउन बेरीज को कुचला। ब्राउन बेरीज, जल्दी से उन्हें मुझ पर से हटाओ। अब ठीक है, एक दिन तो ये होना ही था। तुम जानती हो ये क्या है? ब्राउन बेरीज से एलर्जी। मेरे बचपन में मेरे पिताजी को हुआ करती थी ये। क्या वो ठीक हो गए थे? हाँ बिल्कुल, अगर वो किसी फूले हुए मेंढक की तरह दिखते तो मेरी माँ से कैसे मिलते। तो फिर तुम्हें वही इलाज करना है जो तुम्हारे पिताजी क्या करते थे। सही कहा, मैं अभी इलाज शुरू करूँ। वैसे इसका इलाज है क्या? कुछ खास नहीं, मुझे बस एक टाइगर को खाना होगा। का, रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकती, ये बेरहमी होगी। और सीटियां बजाकर लोगों को परेशान करना बेरहमी नहीं है? मेरे रास्ते से हटो। तुम छोटा को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो तो बहुत छोटा है, उससे इलाज नहीं होगा, मुझे तो शेर खान को खाना होगा। चबाकी। जी मालिक। मुझे भूख लगी है, जाओ मेरे लिए शिकार का इंतजाम करो। शेर खान, मुझे तुमसे कुछ कहना है। शेर खान, तुम मेरे दुश्मन हो लेकिन मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देखना चाहता, इसलिए मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूँ कि का तुम्हें खाने के लिए यहाँ आ रही है। वो बददिमाग अजगर, उसे क्या परेशानी है? हम बस ब्राउन बेरीज के ऊपर झूला झूल रहे थे और अगर हम इसे पिचकाएंगे तो क्या ये जोर जोर से हिस करेगा? कोशिश करके देख, तुम्हें सरप्राइज मिलेगा। तुम्हें जाना होगा शेर खान, एलर्जी के बाद भी का तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। शेर खान किसी से नहीं डरता। सब लोग इतने जिद्दी क्यों हैं? तुम भी बलू की तरह ही हो। अरे हाँ, बलू। मोगली चला गया, मेरी बात मानिए शेर खान, मत जाइए। जरा सोचो इस बारे में लोमड़ी, अगर का कमजोर हो गई है तो उससे छुटकारा पाने का यही सबसे सही वक्त है। हम इंतजार करेंगे और फिर उस पर हमला बोल देंगे। आप और छिपकर वार करेंगे, क्या बात है मालिक। शायद वो शेर खान था? जानता हूँ, ये बहुत ही अजीब है। तुम दवाइयों के बारे में सब जानते हो बलू, का को ठीक करने का कोई और तरीका ढूंढो ना। वो बात कुछ ऐसी है कि मैंने पहले कभी किसी को ब्राउन बेरीज से एलर्जी होते नहीं देखा। माफ करना मोगली। अच्छा तुम्हें चपल का किस्सा तो याद ही होगा, उसे रेड बेरीज से एलर्जी थी और तुमने उसका इलाज बैनियन लीव से किया। ये जरूर वैसी ही एलर्जी होगी। इससे पहले का शेर खान तक पहुँचे मुझे बरगद का पेड़ ढूंढना होगा। मोगली, रुको। रेड बेरीज और ब्राउन बेरीज एक नहीं होती बघीरा, इसके अलावा हिरन और अजगर का इलाज भी एक जैसा नहीं हो सकता। मुझे माफ कर दो बलू, फिक्र मत करो, मामला मैं संभाल लूंगा। और मैं कोई दवा ढूंढता हूँ। मोगली, लाली, बाला, मुझे अभी इसी वक्त अकेला से मिलना है। वो सब तो बकरी का शिकार करने गए हैं।
मोगली। अकेला, अकेला। ये जगह बकरियों के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन भालुओं के लिए नहीं। तबाकी, तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है? ये देखिए मालिक। क्या ब्राउनबेरी से एलर्जी? नहीं बलू, हम भेड़ियों के सामने ऐसी समस्या पहले कभी नहीं आई। तब तो मुझे हाथी से मिलना होगा, वही आखिरी उम्मीद है। हे, उसे अकेला छोड़ दो। का, मेरे पास एक अच्छी खबर है। इन पत्तियों को खा लो, तुम ठीक हो जाओगी। पत्तियां खाऊं? ये नहीं हो सकता इंसानी बच्चे। इनसे तुम्हें राहत मिलेगी और तुम्हें किसी जानवर की जान लेने की जरूरत नहीं। मोगली, रुक जाओ। बलू ने कहा कि ये सही इलाज नहीं है, वो इसका इलाज ढूंढकर आता ही होगा। मुझे इलाज पता है, एक टाइगर और ढेर सारा पानी। बलू के इलाज लेकर आने तक हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं। एक सांप, सूजन। हाँ, इससे मुझे कुछ याद आ रहा है। ओ हाँ, एक सांप ने एक बार मेरी सूंड पर काट लिया था और बुरी तरह सूज गई थी। ऐसे मत देखो, मुझे कुछ नहीं हुआ। वो एक छोटा सा पिद्दी सा सांप था। अगर वो कोबरा होता तो बात कुछ और हो सकती थी। एक कोबरा? ये मैंने क्यों नहीं सोचा। हो गया। मैं बिल्कुल जोकर जैसा दिख रहा हूँ। ये बस पोलन है, नदी में जाते ही उतर जाएगा। चलो, हमें देर हो रही है। पूरे शरीर पर खुजली हो रही है, मन कर रहा है जैसे नहा लूं। ये तो का है? बेवकूफ, वो कोई सांप नहीं है, ये किसी जाने पहचाने पैंथर की दहाड़ है। बहुत अच्छे बगीरा। अरे नहीं, अरे महान तू, ये तो मैं हूँ, बलू। क्या आपको किसी ऐसे अजगर का इलाज पता है जिसे ब्राउन बेरी से एलर्जी हो जाती हो? बिल्कुल, सांपों में ये आम बात है, इसके इलाज के लिए तुम्हें टाइगर की जरूरत पड़ेगी। और मुझे लगा कि टाइगर को खाने के अलावा भी कोई और तरीका हो सकता है। टाइगर को खाने के बारे में किसने कहा? क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो बदसूरत कहीं की? तो फिर और मुझे पकड़ लो। बगीरा, क्या तुम ठीक हो? आओ, नहीं। तुम मुझे परेशान कर रहे हो इंसानी बच्चे। मुझे छोड़ दो। भाग यहाँ से लोमड़ी। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डर गया? हमें अपना एक नाखून दे दो। कभी नहीं। एलर्जी का असली इलाज यही है मोगली, तुम्हें बस एक टाइगर के नाखून की जरूरत है। अब वक्त है देखने का, क्या मेरा नाखून वाकई अच्छी किस्मत लाता है। मैं सांस नहीं ले पा रही।
शुक्रिया मोगली, काश मुझे पता होता एक नाखून काफी है। तुम्हारी मदद करके खुशी हुई का, उसके लिए मुझे अपना लकी नाखून खोना पड़ा। ओ, वो कोई बड़ी बात नहीं। चलो पानी ठंडा नहीं है वरना नौटंकी के बाद मुझे सर्दी भी लग जाती। ये देखो मेरा लकी नाखून, और ये मुझे का ने दिया। मोगली! योहू! तुम ठीक तो हो ना का? हाँ, 2 दिन सोने के बाद थोड़ी कसरत जरूरी है। कस के पकड़ना, अब और भी ज्यादा मजा आने वाला है। ये मजेदार था, क्यों है ना का? का? तुम तो पूरी सूज गई हो, वहीं से जहाँ तुमने ब्राउन बेरीज को कुचला। ब्राउन बेरीज? जल्दी से उन्हें मुझ पर से हटाओ। अब ठीक है, एक दिन तो ये होना ही था। तुम जानती हो ये क्या है? ब्राउन बेरीज से एलर्जी। मेरे बचपन में मेरे पिताजी को हुआ करती थी ये। क्या वो ठीक हो गए थे? हाँ बिल्कुल, अगर वो किसी फूले हुए मेंढक की तरह दिखते तो मेरी माँ से कैसे मिलते। तो फिर तुम्हें वही इलाज करना है जो तुम्हारे पिताजी क्या करते थे। सही कहा, मैं अभी इलाज शुरू करूँ। वैसे इसका इलाज है क्या? कुछ खास नहीं, मुझे बस एक टाइगर को खाना होगा। का, रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकती, ये बेरहमी होगी। और सीटियां बजाकर लोगों को परेशान करना बेरहमी नहीं है? मेरे रास्ते से हटो। तुम छोटा को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो तो बहुत छोटा है, उससे इलाज नहीं होगा, मुझे तो शेर खान को खाना होगा। टबाकी! जी मालिक। मुझे भूख लगी है, जाओ मेरे लिए शिकार का इंतजाम करो। शेर खान, मुझे तुमसे कुछ कहना है। शेर खान, तुम मेरे दुश्मन हो, लेकिन मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देखना चाहता, इसलिए मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूँ कि का तुम्हें खाने के लिए यहाँ आ रही है। वो बददिमाग अजगर, उसे क्या परेशानी है? हम बस ब्राउन बेरीज के ऊपर झूला झूल रहे थे और अगर हम इसे पिचकाएंगे तो क्या ये जोर जोर से हिस करेगा? कोशिश करके देख, तुम्हें सरप्राइज मिलेगा। तुम्हें जाना होगा शेर खान, एलर्जी के बाद भी का तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। शेर खान किसी से नहीं डरता। सब लोग इतने जिद्दी क्यों हैं? तुम भी बलू की तरह ही हो। अरे हाँ, बलू! मोगली चला गया, मेरी बात मानिए शेर खान, मत जाइए। जरा सोचो इस बारे में लोमड़ी, अगर का कमजोर हो गई है तो उससे छुटकारा पाने का यही सबसे सही वक्त है। हम इंतजार करेंगे और फिर उस पर हमला बोल देंगे। आप और छिपकर वार करेंगे? क्या बात है मालिक! शायद वो शेर खान था? जानता हूँ, ये बहुत ही अजीब है। तुम दवाइयों के बारे में सब जानते हो बलू, का को ठीक करने का कोई और तरीका ढूंढो ना। वो बात कुछ ऐसी है कि मैंने पहले कभी किसी को ब्राउन बेरीज से एलर्जी होते नहीं देखा। माफ करना मोगली। अच्छा तुम्हें चपल का किस्सा तो याद ही होगा, उसे रेड बेरीज से एलर्जी थी और तुमने उसका इलाज बैनियन लीव से किया था। ये जरूर वैसी ही एलर्जी होगी। इससे पहले का शेर खान तक पहुँचे मुझे बरगद का पेड़ ढूंढना होगा। मोगली, रुको! रेड बेरीज और ब्राउन बेरीज एक नहीं होती बघेरा, इसके अलावा हिरन और अजगर का इलाज भी एक जैसा नहीं हो सकता। मुझे माफ कर दो बलू, फिक्र मत करो, मामला मैं संभाल लूंगा। और मैं कोई दवा ढूंढता हूँ। मोगली! लाली, बाला,
मुझे अभी इसी वक्त अकेला से मिलना है। वो सब तो बकरी का शिकार करने गए हैं। मोगली, अकेला, अकेला। ये जगह बकरियों के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन भालुओं के लिए नहीं। तबाकी, तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है? ये देखिए मालिक। क्या ब्राउनबेरी से एलर्जी? नहीं बलू, हम भेड़ियों के सामने ऐसी समस्या पहले कभी नहीं आई। तब तो मुझे हाथी से मिलना होगा, वही आखिरी उम्मीद है। हे, उसे अकेला छोड़ दो। का, मेरे पास एक अच्छी खबर है। इन पत्तियों को खा लो, तुम ठीक हो जाओगी। पत्तियाँ खाऊं? ये नहीं हो सकता इंसानी बच्चे। इनसे तुम्हें राहत मिलेगी और तुम्हें किसी जानवर की जान लेने की जरूरत नहीं। मोगली, रुक जाओ। बलू ने कहा कि ये सही इलाज नहीं है, वो इसका इलाज ढूंढ कर आता ही होगा। मुझे इलाज पता है, एक टाइगर और ढेर सारा पानी। बलू के इलाज लेकर आने तक हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं। एक सांप, सूजन, हाँ, इससे मुझे कुछ याद आ रहा है। ओ हाँ, एक सांप ने एक बार मेरी सूंड पर काट लिया था और बुरी तरह सूज गई थी। ऐसे मत देखो, मुझे कुछ नहीं हुआ। वो एक छोटा सा पिद्दी सा सांप था। अगर वो कोबरा होता तो बात कुछ और हो सकती थी। एक कोबरा? ये मैंने क्यों नहीं सोचा। हो गया। मैं बिल्कुल जोकर जैसा दिख रहा हूँ। ये बस पोलन है, नदी में जाते ही उतर जाएगा। चलो, हमें देर हो रही है। पूरे शरीर पर खुजली हो रही है, मन कर रहा है जैसे नहा लूं। ये तो का है? बेवकूफ, वो कोई सांप नहीं है, ये किसी जाने पहचाने पैंथर की दहाड़ है। बहुत अच्छे बगीरा। अरे नहीं, अरे महान तू, ये तो मैं हूँ, बलू। क्या आपको किसी ऐसे अजगर का इलाज पता है जिसे ब्राउन बेरी से एलर्जी हो जाती हो? हाँ, बिल्कुल, सांपों में ये आम बात है, इसके इलाज के लिए तुम्हें टाइगर की जरूरत पड़ेगी। और मुझे लगा कि टाइगर को खाने के अलावा भी कोई और तरीका हो सकता है। टाइगर को खाने के बारे में किसने कहा? क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो बदसूरत कहीं की? तो फिर और मुझे पकड़ लो। बगीरा, क्या तुम ठीक हो? आओ, नहीं। तुम मुझे परेशान कर रहे हो इंसानी बच्चे। मुझे छोड़ दो। भाग यहाँ से लोमड़ी। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डर गया? हमें अपना एक नाखून दे दो। कभी नहीं। एलर्जी का असली इलाज यही है मोगली, तुम्हें बस एक टाइगर के नाखून की जरूरत है। अब वक्त है देखने का, क्या मेरा नाखून वाकई अच्छी किस्मत लाता है। आ,
मैं सांस नहीं ले पा रही। शुक्रिया मोगली, काश मुझे पता होता एक नाखून काफी है। तुम्हारी मदद करके खुशी हुई का, उसके लिए मुझे अपना लकी नाखून खोना पड़ा। ओ, वो कोई बड़ी बात नहीं। चलो पानी ठंडा नहीं है वरना नौटंकी के बाद मुझे सर्दी भी लग जाती। ये देखो मेरा लकी नाखून, और ये मुझे का ने दिया। मोगली! योहू! तुम ठीक तो हो ना का? हाँ, 2 दिन सोने के बाद थोड़ी कसरत जरूरी है। कस के पकड़ना, अब और भी ज्यादा मजा आने वाला है। ये मजेदार था, क्यों है ना का? का? तुम तो पूरी सूज गई हो, वहीं से जहाँ तुमने ब्राउन बेरीज को कुचला। ब्राउन बेरीज, जल्दी से उन्हें मुझ पर से हटाओ। अब ठीक है, 1 दिन तो ये होना ही था। तुम जानती हो ये क्या है? ब्राउन बेरीज से एलर्जी। मेरे बचपन में मेरे पिताजी को हुआ करती थी ये। क्या वो ठीक हो गए थे? हाँ बिल्कुल, अगर वो किसी फूले हुए मेंढक की तरह दिखते तो मेरी माँ से कैसे मिलते। तो फिर तुम्हें वही इलाज करना है जो तुम्हारे पिताजी क्या करते थे। सही कहा, मैं अभी इलाज शुरू करूँ। वैसे इसका इलाज है क्या? कुछ खास नहीं, मुझे बस एक टाइगर को खाना होगा। रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकती, ये बेरहमी होगी। और सीटियां बजाकर लोगों को परेशान करना बेरहमी नहीं है? मेरे रास्ते से हटो। तुम चोटा को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो तो बहुत छोटा है, उससे इलाज नहीं होगा, मुझे तो शेर खान को खाना होगा। जबाकी जी मालिक, मुझे भूख लगी है, जाओ मेरे लिए शिकार का इंतजाम करो। शेर खान, मुझे तुमसे कुछ कहना है। शेर खान, तुम मेरे दुश्मन हो लेकिन मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देखना चाहता, इसलिए मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूँ कि का तुम्हें खाने के लिए यहाँ आ रही है। वो बददिमाग अजगर, उसे क्या परेशानी है? हम बस ब्राउन बेरीज के ऊपर झूला झूल रहे थे और अगर हम इसे पिचकाएंगे तो क्या ये जोर जोर से हिस हिस करेगा? कोशिश करके देखो, तुम्हें सरप्राइज मिलेगा। तुम्हें जाना होगा शेर खान, एलर्जी के बाद भी का तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। शेर खान किसी से नहीं डरता। सब लोग इतने जिद्दी क्यों हैं? तुम भी बलू की तरह ही हो। अरे हाँ बलू। मोगली चला गया, मेरी बात मानिए शेर खान, मत जाइए। जरा सोचो इस बारे में लोमड़ी, अगर का कमजोर हो गई है तो उससे छुटकारा पाने का यही सबसे सही वक्त है। हम इंतजार करेंगे और फिर उस पर हमला बोल देंगे। आप और छिपकर वार करेंगे, क्या बात है मालिक। शायद वो शेर खान था? जानता हूँ, ये बहुत ही अजीब है। तुम दवाइयों के बारे में सब जानते हो बलू, का को ठीक करने का कोई और तरीका ढूंढो ना। वो बात कुछ ऐसी है कि मैंने पहले कभी किसी को ब्राउन बेरीज से एलर्जी होते नहीं देखा। माफ करना मोगली। अच्छा तुम्हें चपल का किस्सा तो याद ही होगा, उसे रेड बेरीज से एलर्जी थी और तुमने उसका इलाज बैनियन लीव से किया था। ये जरूर वैसी ही एलर्जी होगी। इससे पहले काश शेर खान तक पहुँचे मुझे बरगद का पेड़ ढूंढना होगा। मोगली, रुको। रेड बेरीज और ब्राउन बेरीज एक नहीं होती बघीरा, इसके अलावा हिरन और अजगर का इलाज भी एक जैसा नहीं हो सकता। मुझे माफ कर दो बलू, फिक्र मत करो, मामला मैं संभाल लूंगा। और मैं कोई दवा ढूंढता हूँ। मोगली,
लाली, बाला, मुझे अभी इसी वक्त अकेला से मिलना है। वो सब तो बकरी का शिकार करने गए हैं। मोगली, अकेला, अकेला। ये जगह बकरियों के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन भालुओं के लिए नहीं। तबाकी, तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है? देखिए मालिक। क्या ब्राउनबेरी से एलर्जी? नहीं बडू, हम भेड़ियों के सामने ऐसी समस्या पहले कभी नहीं आई। तब तो मुझे हाथी से मिलना होगा, वही आखिरी उम्मीद है। hey, उसे अकेला छोड़ दो। का, मेरे पास एक अच्छी खबर है। इन पत्तियों को खा लो, तुम ठीक हो जाओगी। पत्तियाँ खाऊं? ये नहीं हो सकता इंसानी। इनसे तुम्हें राहत मिलेगी और तुम्हें किसी जानवर की जान लेने की जरूरत नहीं। मोगली, रुक जाओ। बलू ने कहा कि ये सही इलाज नहीं है, वो इसका इलाज ढूंढ कर आता ही होगा। मुझे इलाज पता है, एक टाइगर और ढेर सारा पानी। बलू के इलाज लेकर आने तक हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं। एक सांप, सूजन, हाँ, इससे मुझे कुछ याद आ रहा है। ओ हाँ, एक सांप ने एक बार मेरी सूंड पर काट लिया था और बुरी तरह सूज गई थी। ऐसे मत देखो, मुझे कुछ नहीं हुआ, वो एक छोटा सा पिद्दी सा सांप था। अगर वो कोबरा होता तो बात कुछ और हो सकती थी। एक कोबरा? ये मैंने क्यों नहीं सोचा। हो गया। मैं बिल्कुल जोकर जैसा दिख रहा हूँ। ये बस पोलन है, नदी में जाते ही उतर जाएगा। चलो, हमें देर हो रही है। पूरे शरीर पर खुजली हो रही है, मन कर रहा है जैसे नहा लूं। ये तो का है? बेवकूफ, वो कोई सांप नहीं है, ये किसी जाने पहचाने पैंथर की दहाड़ है। बहुत अच्छे बगीरा। अरे नहीं, अरे महान तू, ये तो मैं हूँ, बलू। क्या आपको किसी ऐसे अजगर का इलाज पता है जिसे ब्राउन बेरीज से एलर्जी हो जाती हो? बिल्कुल, सांपों में ये आम बात है, इसके इलाज के लिए तुम्हें टाइगर की जरूरत पड़ेगी। और मुझे लगा कि टाइगर को खाने के अलावा भी कोई और तरीका हो सकता है। टाइगर को खाने के बारे में किसने कहा? क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो बदसूरत कहीं की? तो फिर और मुझे पकड़ लो। बगीरा, क्या तुम ठीक हो? आओ, नहीं। तुम मुझे परेशान कर रहे हो इंसानी बच्चे। मुझे छोड़ दो। भाग यहाँ से लोमड़ी। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डर गया? हमें अपना एक नाखून दे दो। कभी नहीं। एलर्जी का असली इलाज यही है मोगली, तुम्हें बस एक टाइगर के नाखून की जरूरत है। अब वक्त है देखने का, क्या मेरा नाखून वाकई अच्छी किस्मत लाता है।
मैं सांस नहीं ले पा रही। शुक्रिया मोगली, काश मुझे पता होता एक नाखून काफी है। तुम्हारी मदद करके खुशी हुई का, उसके लिए मुझे अपना लकी नाखून खोना पड़ा। ओ, वो कोई बड़ी बात नहीं। चलो पानी ठंडा नहीं है वरना नौटंकी के बाद मुझे सर्दी भी लग जाती। ये देखो मेरा लकी नाखून, और ये मुझे का ने दिया। मोगले योहू। तुम ठीक तो हो ना का? हाँ, 2 दिन सोने के बाद थोड़ी कसरत जरूरी है। कस के पकड़ना, अब और भी ज्यादा मजा आने वाला है। ये मजेदार था, क्यों है ना का? का? तुम तो पूरी सूज गई हो, वहीं से जहाँ तुमने ब्राउन बेरीज को कुचला। ब्राउन बेरीज, जल्दी से उन्हें मुझ पर से हटाओ। अब ठीक है, एक दिन तो ये होना ही था। तुम जानती हो ये क्या है? ब्राउन बेरीज से एलर्जी। मेरे बचपन में मेरे पिताजी को हुआ करती थी ये। क्या वो ठीक हो गए थे? हाँ बिल्कुल, अगर वो किसी फूले हुए मेंढक की तरह दिखते तो मेरी माँ से कैसे मिलते। तो फिर तुम्हें वही इलाज करना है जो तुम्हारे पिताजी क्या करते थे। सही कहा, मैं अभी इलाज शुरू करूँ। वैसे इसका इलाज है क्या? कुछ खास नहीं, मुझे बस एक टाइगर को खाना होगा। रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकती, ये बेरहमी होगी। और सीटियां बजाकर लोगों को परेशान करना बेरहमी नहीं है? मेरे रास्ते से हटो। तुम चोटा को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो तो बहुत छोटा है, उससे इलाज नहीं होगा। मुझे तो शेर खान को खाना होगा। चबाकी। जी मालिक। मुझे भूख लगी है, जाओ मेरे लिए शिकार का इंतजाम करो। शेर खान, मुझे तुमसे कुछ कहना है। शेर खान, तुम मेरे दुश्मन हो लेकिन मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देखना चाहता, इसलिए मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूँ कि का तुम्हें खाने के लिए यहाँ आ रही है। वो बददिमाग अजगर, उसे क्या परेशानी है? हम बस ब्राउन बेरीज के ऊपर झूला झूल रहे थे और अगर हम इसे पिचकाएंगे तो क्या ये जोर जोर से हिस हिस करेगा? कोशिश करके देख, तुम्हें सरप्राइज मिलेगा। तुम्हें जाना होगा शेर खान, एलर्जी के बाद भी का तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। शेर खान किसी से नहीं डरता। सब लोग इतने जिद्दी क्यों हैं? तुम भी बलू की तरह ही हो। अरे हाँ बलू। मोगली चला गया, मेरी बात मानिए शेर खान, मत जाइए। जरा सोचो इस बारे में लोमड़ी, अगर का कमजोर हो गई है तो उससे छुटकारा पाने का यही सबसे सही वक्त है। हम इंतजार करेंगे और फिर उस पर हमला बोल देंगे। आप और छिपकर वार करेंगे, क्या बात है मालिक। शायद वो शेर खान था? जानता हूँ, ये बहुत ही अजीब है। तुम दवाइयों के बारे में सब जानते हो बलू, का को ठीक करने का कोई और तरीका ढूंढो ना। वो बात कुछ ऐसी है कि मैंने पहले कभी किसी को ब्राउन बेरीज से एलर्जी होते नहीं देखा। माफ करना मोगली। अच्छा तुम्हें चपल का किस्सा तो याद ही होगा, उसे रेड बेरी से एलर्जी थी और तुमने उसका इलाज बैनियन लीव से किया था। ये जरूर वैसी ही एलर्जी होगी। इससे पहले का शेर खान तक पहुँचे मुझे बरगद का पेड़ ढूंढना होगा। मोगली, रुको। रेड बेरीज और ब्राउन बेरीज एक नहीं होती बघेरा, इसके अलावा हिरन और अजगर का इलाज भी एक जैसा नहीं हो सकता। मुझे माफ कर दो बलू, फिक्र मत करो, मामला मैं संभाल लूंगा। और मैं कोई दवा ढूंढता हूँ।
मोगली। लाली, बाला, मुझे अभी इसी वक्त अकेला से मिलना है। वो सब तो बकरी का शिकार करने गए हैं। मोगली, अकेला, अकेला। ये जगह बकरियों के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन भालुओं के लिए नहीं। तबाकी, तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है? ये देखिए मालिक। क्या ब्राउनबेरी से एलर्जी? नहीं बलू, हम भेड़ियों के सामने ऐसी समस्या पहले कभी नहीं आई। तब तो मुझे हाथी से मिलना होगा, वही आखिरी उम्मीद है। हे, उसे अकेला छोड़ दो। का, मेरे पास एक अच्छी खबर है। इन पत्तियों को खा लो, तुम ठीक हो जाओगी। पत्तियां खाऊं? ये नहीं हो सकता इंसानी बच्चे। इनसे तुम्हें राहत मिलेगी और तुम्हें किसी जानवर की जान लेने की जरूरत नहीं। मोगली, रुक जाओ। बलू ने कहा कि ये सही इलाज नहीं है, वो इसका इलाज ढूंढ कर आता ही होगा। मुझे इलाज पता है, एक टाइगर और ढेर सारा पानी। बलू के इलाज लेकर आने तक हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं। एक सांप, सुजन, हाँ, इससे मुझे कुछ याद आ रहा है। ओ हाँ, एक सांप ने एक बार मेरी सूंड पर काट लिया था और बुरी तरह सूज गई थी। ऐसे मत देखो, मुझे कुछ नहीं हुआ। वो एक छोटा सा पिद्दी सा सांप था। अगर वो कोबरा होता तो बात कुछ और हो सकती थी। एक कोबरा? ये मैंने क्यों नहीं सोचा। हो गया। मैं बिल्कुल जोकर जैसा दिख रहा हूँ। ये बस पोलन है, नदी में जाते ही उतर जाएगा। चलो, हमें देर हो रही है। पूरे शरीर पर खुजली हो रही है, मन कर रहा है जैसे नहा लूं। ये तो का है? बेवकूफ, वो कोई सांप नहीं है, ये किसी जाने पहचाने पैंथर की दहाड़ है। बहुत अच्छे बगीरा। अरे नहीं, अरे महान तू, ये तो मैं हूँ, बलू। क्या आपको किसी ऐसे अजगर का इलाज पता है जिसे ब्राउन बेरीज से एलर्जी हो जाती हो? बिल्कुल, सांपों में ये आम बात है, इसके इलाज के लिए तुम्हें टाइगर की जरूरत पड़ेगी। और मुझे लगा कि टाइगर को खाने के अलावा भी कोई और तरीका हो सकता है। टाइगर को खाने के बारे में किसने कहा? क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो बदसूरत कहीं की? तो फिर और मुझे पकड़ लो। बगीरा, क्या तुम ठीक हो? आओ, नहीं। तुम मुझे परेशान कर रहे हो इंसानी बच्चे। मुझे छोड़ दो। भाग यहाँ से लोमड़ी। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डर गया? हमें अपना एक नाखून दे दो। कभी नहीं। एलर्जी का असली इलाज यही है मोगली, तुम्हें बस एक टाइगर के नाखून की जरूरत है। अब वक्त है देखने का।
क्या मेरा नाखून वाकई अच्छी किस्मत लाता है? मैं सांस नहीं ले पा रही। शुक्रिया मोगली, काश मुझे पता होता एक नाखून काफी है। तुम्हारी मदद करके खुशी हुई का, उसके लिए मुझे अपना लकी नाखून खोना पड़ा। ओ, वो कोई बड़ी बात नहीं। चलो पानी ठंडा नहीं है वरना नौटंकी के बाद मुझे सर्दी भी लग जाती। ये देखो मेरा लकी नाखून, और ये मुझे का ने दिया। आ, 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 आ,